राष्ट्रीय सेवार्थ जनसेना कार्यकारी का किया गया विस्तार। जनपद कन्नौज के एक ग्राम में राष्ट्रीय सेवार्थ जनसेना के जिला अध्यक्ष आशीष कठेरिया व जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह कठेरिया ने एक कार्यकारी बैठक की और कुछ सामाजिक बिंदुओं पर चर्चाएं भी की। देखिए कन्नौज से ओमकार कठेरिया की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएसएन, मैं हूं आपके साथ ओमकार कठेरिया। आइए जनपद कन्नौज की आज पछतरपुर में हमारे एक समाज सेवक जो जिला अध्यक्ष हमारे आशीष कठेरिया जी के द्वारा समाज संगठन में जो राष्ट्रीय सेवा जनसेना के एक हमारे पीयूष भैया जी जो हमारे नियुक्त किए गए हैं, आज मैं उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे उनका क्या उद्देश्य है जो राष्ट्रीय सेवा जनसेना संगठन में जुड़ने का। सर क्या उद्देश्य है आपका? जी मैं पीयूष कुमार कन्नौज से हूँ। जी जी मैं अपने कठेरिया समाज के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा ये समाज था ये बहुत ही पिछड़ा हुआ है जी, और अभी भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि हमें लोगों को संगठित करना है, अपने विषय में बताना है, हमें अपना एक संगठन लेके चलना है, क्योंकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। क्योंकि अभी हमारी सरकार सुन नहीं रही, हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि अब हमारा समाज इतनी ऊंचाइयों पर अब पहुंच गया है, लेकिन वो लोग भी हमारी बातें नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम लोगों को पहले संगठित होना पड़ेगा, जब हम लोग संगठित होंगे तो हमारा सब साथ देंगे। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम पीयूष कुमार है, मैं जिला कन्नौज से हूँ। आज मुझे ब्लॉक सचिव का पद मिला है, मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं गांव-गांव जाकर अपने कठेरिया समाज के लोगों को बताएंगे इसके बारे में, उन्हें जागरूक करेंगे। एक चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। चाचा, जो हमारे आज संगठन के द्वारा एक जो पीयूष भैया जी को नियुक्त किया गया है, आपको कैसा लग रहा है? हमें जो है वो अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे कहने का मतलब यही है कि पहले समाज को शिक्षित करो और आगे बढ़ते जाओ, अपने समाज को ऊपर ले जाने के लिए हमें हर प्रयास करने होंगे। और जो हमारे राष्ट्रीय सेवा संगठन है उसी के द्वारा आज ब्लॉक उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं जिला अध्यक्ष जी के द्वारा, मैं उनसे बात करेंगे उनका क्या उद्देश्य है जो संगठन में जुड़े, उनका क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार कठेरिया है, कन्नौज जिला से रहे हैं जी। मैं इस सेना में जुड़ने के लिए, जो हमारी ये सेना है ना जी, जो हमारी जागरूक है, इसके लिए कुछ काम करने के लिए जी, इसीलिए मैं जो हमारी आपका उद्देश्य क्या है समाज जो हमारी क्या करेंगे? हमारी समाज जो पीछे एससी वर्ग की जात है ना जी, जो पीछे बिगड़ी हुई है जी, इसे सुधारने के लिए आगे बढ़ने के कुछ जागो, कुछ समझो जी। कि राष्ट्रीय सेवा जनसेना के जिला अध्यक्ष भी हमारे साथ हैं आशीष कठेरिया जी, मैं उनसे भी बात करेंगे जो आज गाँव में दो नियुक्ति पत्र दिए हैं, उनको क्या सोचकर क्या उनकी भाव है, क्या भावना है, क्या मतलब है सर? यहाँ पे जो ग्राम बछतजापुर में दो नियुक्तियाँ हुई हैं, एक सुमित कुमार और पीयूष कुमार, इन ये दो नियुक्तियाँ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और हम इनसे यही कामना करते हैं कि जो हमारा समाज है, जो हम लोगों पर अत्याचार होता है, हमारी बात सुनी नहीं जाती है, तो उस चीज़ को आवाज़ को उठाने के लिए, जो हमारे शोषित पीड़ित किसान होते हैं हमारे, उन लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए और वो काम करें, इसलिए हम लोग आज नियुक्तियाँ की हैं।